नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं लोकेंद्र सिंह। स्कूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिलहाल अपने स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलीनोमियल। एक्सरसाइज नंबर होगी अपने पास 2.1। तो पहले अपने पॉलीनोमियल को समझ लेते हैं। पॉलीनोमियल का एक टर्म से रिलेटेड है। पॉलीनोम का मीन्स है एक टर्म, कि कितनी टर्म आ रही है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें कितनी टर्म, 1, 2। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर टर्म एक सिंगल, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, इसमें कितनी टर्म, 1, 2, 3। इसमें कितनी टर्म, 3 टर्म। ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारे, नोमियल मतलब टर्म, बहुत सारी टर्म्स को बोलते हैं पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल के पार्ट होते हैं, एक तो होता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है जिसमें एक टर्म हो, सिंगल, वन टर्म, सिर्फ वन टर्म ही, जैसे एक्स। बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो, टू टर्म्स हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए टू टर्म्स। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 3 टर्म्स। तो पॉलीनोमियल के तीनों पार्ट्स है। पॉलीनोमियल का मतलब होता है टर्म से रिलेटेड है, कि कितनी टर्म्स आ रही है। ये एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें आपके टोटल 5 ही क्वेश्चंस हैं। तो इसके आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2nd चैप्टर डाल दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर लेना। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल, कि कौन सा पॉलीनोमियल है इन वन वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल में, एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो इसके 5 पार्ट्स हैं, 5 के 5 पार्ट्स मैंने यहाँ पर वाइट बोर्ड पर लिख लिए। तो फर्स्ट नंबर देखिए आप, 4x square, x की पावर कितनी, 2। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 1। पॉलीनोमियल कब नहीं होगा, जब उसकी पावर क्या हो, एक तो नेगेटिव आए, किसकी पावर, वेरिएबल की पावर नेगेटिव आए, और वेरिएबल की पावर पॉइंटों में आए। ठीक है, वेरिएबल की पावर पॉइंट में आए, तो वो क्या होगा, पॉलीनोमियल नहीं होगा। यानी एक पूरी पूरी वैल्यू आनी चाहिए, जैसे +1, +2, +3, +5। अगर पावर वेरिएबल की माइनस में आ गई, या जैसे 2.5, 3.5, ऐसे आगे, तो वो पॉलीनोमियल नहीं होगा, अदरवाइज वो पॉलीनोमियल होगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 4x² - 3x + 1, यहाँ पे पावर कितनी, 2, यहाँ पे पावर 1 + 7, यहाँ पे पावर x, जब इसमें नहीं है वेरिएबल तो x की पावर 0 होती है। यानी ये पॉलीनोमियल है, और कितने वेरिएबल में है, कितने वेरिएबल में है, देखो x यानी 1 वेरिएबल, तो ये सही है, पॉलीनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, इसमें देखो वेरिएबल के ऊपर पावर 2 है, यानी प्लस का पावर 2 है, और यहां पर √2 आ गया, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इसके ऊपर पावर मायने नहीं रखती क्या हो और क्या नहीं है। तो ये भी वेरिएबल, सॉरी, पॉलीनोमियल है, और एक y आ रहा है, सिर्फ y, तो ये पॉलीनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, 3, टी एक वेरिएबल है, टी के ऊपर √2 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, टी के ऊपर पावर कितनी, 1/2 + t, √2 ऐसा, यहाँ पे पावर कितनी, 1, तो 1/2 को कैसे लिखते हैं, 0.5, यानी टी के ऊपर पावर कितनी, 0.5, यानी पॉइंट में आ गई पावर, तो ये वेरिएबल नहीं है, नॉट
वेरिएबल बिकॉज टी पावर 0.5 यानी 1/2 पावर है यानी 0.5 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, पहले मैंने मिस्टेकली गलत लिख दिया था यहाँ पर, नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज टी पावर 0.5, यानी इसका मतलब ये क्या कि टी के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी पूरी फिक्स वैल्यू आनी चाहिए और पॉजिटिव की आनी चाहिए। इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, y इक्वल टू ये जो y है ऊपर आएगा डिनोमिनेटर में, उसको ऊपर लाना पड़ेगा, तो 2 इंटू में y के ऊपर आने पर यहाँ पे पावर 1 थी, ऊपर आने पे क्या हो जाएगी माइनस, जब भी ऊपर नीचे लेके जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है, तो नीचे से ऊपर लेके गए तो पावर माइनस में हो गया, पावर क्या आ गई यहाँ पे माइनस में आ गई, तो ये नेगेटिव पावर आ गई, इसका मतलब ये नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज पावर वाई नेगेटिव, वाई की पावर क्या है नेगेटिव है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, एक्स की पावर 10, वाई की पावर 3, टी की पावर 50, यानी ये पॉजिटिव आ रही है सारों की, तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने आ गए, 1, 2, 3, एक्स आ गया, वाई आ गया और टी आ गया, तो पॉलिनोमियल ये क्या होगा, 3 वेरिएबल, तो इसमें सिर्फ 1 वेरिएबल का पूछा, तो ये 3 वेरिएबल आ गया, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच, कोफिशियंट क्या होता है पहले ये समझिए, कोफिशियंट का मतलब है मल्टीप्लाई होना, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो अपने को आंसर लिखना है। तो पहले इसके चार फोर पार्ट्स हैं, फोर पार्ट्स मैंने लिख लिए, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछना है, तो एक्स स्क्वायर ध्यान में रखना, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ 1 इंटू में एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो 1 इसका कोफिशियंट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -1, देखिए -1 इंटू में एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, तो इसका कोफिशियंट क्या आ जाएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के साथ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है पाई अपॉन में 2, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई अपॉन में 2, ठीक है। देखिए इसमें इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं है, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं है तो कोफिशियंट क्या आ जाएगा, 0, जीरो। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री का मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर, तो बाइनोमियल देना है, बाइनोमियल यानी दो टर्म, तो फर्स्ट में इसमें दो पार्ट पूछे गए, बाइनोमियल डिग्री 35 और एक मोनोमियल डिग्री कितनी 100। बाइनोमियल मतलब दो पार्ट, दो टर्म यानी 2 टर्म, पहली टर्म तो अपने लिख लेते हैं एक्स की पावर 35, मैक्सिमम पावर 35, इससे बड़ी डिजिट नहीं लिखनी आपको, प्लस में इससे छोटी भी कोई भी पावर लिख लो, जैसे मैंने एक एक्स की पावर 2 लिख दिया, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिस बाइनोमियल और डिग्री 35 हो। अब इसमें डिग्री कितनी है 35, मैक्सिमम पावर कितनी हो 35 और डिग्री 35, और बाइनोमियल 1, 2, दो टर्म है यानी ये बाइनोमियल है। फिर सेकेंड पार्ट में मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 यानी एक्स की पावर 100, एक ही टर्म है सिर्फ एक्स की पावर 100, ये मोनोमियल है, ये हो गया आपके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग,
तो डिग्री यानी मैक्सिमम पावर बतानी है अपने को। इसमें देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर बता, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी, 3, तो इसकी डिग्री कितनी, 3। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, डिग्री कितनी, 2। इसमें वेरिएबल कहाँ है, टी, टी की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, यानी डिग्री इसकी कितनी आ गई, 1। इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो इसमें वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर है 0, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, 0। क्वेश्चन नंबर 5th, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो इसमें अपने लीनियर कौन से होते हैं, लीनियर वो होते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, और क्यूबिक जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी, 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी, 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी, देखो मैक्सिमम पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी, 1, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। फिर उसके बाद इसमें मैक्सिमम पावर कितनी, 1, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी, 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी, 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन से लीनियर होते हैं, लीनियर मैक्सिमम पावर 1 और क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर 2, क्यूबिक मैक्सिमम पावर 3। ठीक है, तो आसानी से आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आपके 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था, 5th नंबर। नेक्स्ट वीडियो में अपने 2.2 स्टार्ट कर रहे। एक बार फिर से मैं आपको ये कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।